हेलो एवरीवन आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल आज हम लोग बात करेंगे सेक्शन 351 ऑफ आईपीसी व्हिच टॉक्स अबाउट असॉल्ट असॉल्ट क्या होता है यह सेक्शन 351 में बताया गया है सो हूएवर मेक्स एनी जेस्चर और एनी प्रिपरेशन इंटेंडिंग और नोइंग इट टू बी लाइकली दैट सच जेस्चर और प्रिपरेशन विल कॉज एनी पर्सन प्रेजेंट टू एप्रिहेंड That he who makes that that gesture or preparation is about to use criminal force to that person is सेट to commit an assault. कई बार gesture और ये आपका प्रिपरेशन वर्ड यूज हो गया नहीं देखो बहुत सिंपल सी बात कह रहा है ये ये कह रहा है कि कोई भी ऐसा पर्सन ऐसा कोई जेस्चर करता है ठीक कोई ऐसी प्रिपरेशन करता है जो कि उसका इंटेंट है या उसे इस बात का ज्ञान है, है, कि वो प्रिपरेशन पर्सन वो वो को apprehend करेगा, apprehend करेगा उस person को दैट ही हुआ इज अबाउट टू यूज क्रिमिनल फोर्स टू दैट पर्सन एप्रीहेंड करने का मतलब है डरा देना कह रहा है तो अच्छा एक बात नोटिस की क्रिमिनल फोर्स वर्ड यूज हुआ है यानी कि असोल्ट अगर हो रहा है तो उसमें क्रिमिनल फोर्स होगा ही होगा यहां पर सिर्फ एक तरीके से सामने वाले पर्सन को डराया जा रहा है कि अगर आपने ये पर्टिकुलर काम नहीं किया या पर्टिकुलर चीज करी तो जो है मैं आपको आ, मार दूंगा या जो भी है और सामने वाले को भी ऐसा लग रहा है एक ऐसा एक एप्रिहेंशन है एक ऐसा डर है उसको देख करके उसके रेज ऑफ एंगर को देख करके या मान लो कि उसके हाँ, सामने वाले के हाथ में चाकू है तो उस चीज को वो अब यार देखो एक हम लोग पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन समझते हैं ये एक पर्सन है सहमा हुआ है ठीक है और ये दूसरा पर्सन इसके हाथ में मान लो कि ये जो भी समझ लो चाकू समझ लो मैं चाकू बोला चाकू जैसा तो नहीं लग रहा है बट समझने के लिए हम समझ लेते हैं ठीक है अब ये पर्सन है जो इसके पर इस इस पर्सन के अगेंस्ट असोल्ट कमिट करेगा ठीक है ये कह रहा है कि इस तरीके से जेस्चर या प्रिपरेशन होनी चाहिए इस पर्सन की किस पर्सन की इस पर्सन की इस तरीके से जेस्चर या प्रिपरेशन होना चाहिए कि सामने वाले पर्सन को एप्रीहेंड हो जाए सामने वाला पर्सन इस पर्सन को एप्रीहेंशन कॉज हो जाए डर कॉज हो जाए इस बात का कि ये पर्सन इसके अगेंस्ट क्रिमिनल फोर्स यूज कर देगा ये पर्सन इसको धमकी दे रहा है कि अगर तुमने जो है आ, मुझे पचास लाख रुपए नहीं दिए या जो भी कुछ है, जो भी कुछ है जो आपके एग्जाम्पल बहुत अच्छा बैठे आप उसको समझ सकते हैं मेरे एग्जाम्पल से अभी आप समझिए तो सारी बातें क्लियर होगी ये कह रहा है कि अगर तुमने मुझे पचास लाख रुपए नहीं दिए तो मैं तुम्हें मार दूंगा अब मार देने का क्या मतलब है वो दिख रहा है इतनी बड़ी रामपुरी चाकू वो लेकर के खड़ा है मार ही देगा अगर मैं नहीं दूंगा तो तो उसको एप्रिहेंशन कॉज हुआ ठीक है अभी कुछ कमिट नहीं हुआ है देखो असोल्ट में सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ कमिट अभी उसने सामने वाला जो पर्सन है जो ऑफेंडर हम जिसे कह रहे हैं या अक्यूज हम जिसे कहेंगे उस पर्सन ने अभी कुछ किया नहीं है लेकिन उस सामने वाले पर्सन को इस तरीके से डरा दिया है कि बस इतना ही कह देने से मात्र कह देने से जो है वो कह देने से भी नहीं मतलब कि अगर सामने दिख रहा है कि हाँ उसके जेस्टर से या वो इतने गुस्से में है कि चलो मान लो चाकू का एग्जाम्पल मत लो कि वो बहुत ज्यादा गुस्से में है वो कह रहा है कि मैं तुम्हें मार दूंगा मैं तुम्हें मार दूंगा तो यहाँ पर जिस, जिस में वो है, तो सामने वाले को डर तो लगेगा कि हो सकता है कि ये में मुझे तो डर से या मैं कहूं तो असोल्ट इज इक्वल्स टू एप्रीहेंशन सामने वाले लेकिन साम, ये वाला जो पर्सन है ये वाला जो पर्सन है इस पर्सन को बिलीव हो जाए इस पर्सन को बिलीव हो जाए कि हाँ भाई ये जो है ये कुछ ना कुछ कमिट ये ये मेरे अगेंस्ट जो है क्रिमिनल फोर्स यूज कर देगा ये बिलीव इसको हो जाना चाहिए तब हम कहेंगे तब हम कहेंगे कि असोल्ट जो है इसके अगेंस्ट कमिट हुआ जब बेचारा इतना डर गया इस एप्रीहेंशन की वजह से तो हम कहेंगे कि असोल्ट कमिट हुआ एक्सप्लेनेशन ये कह रहा है कि मेयर वर्ड्स डू नॉट अमाउंट टू एन असोल्ट सिर्फ बोला ये चीज असोल्ट में नहीं आती बट द वर्ड्स विच अ पर्सन यूजेज मे गिव टू हिज जेस्टर्स ऑफ प्रिपरेशन सच अ मीनिंग एज मे मेक दोस्टर्स ऑफ प्रिपरेशन अमाउंट वसॉल्ट अब ये मान लो कि इसके चलो हम ऐसा एग्जाम्पल मान लें कि इसके पास हाथ में चाकू ना होता तो ये बस ऐसे ही कह रहा होता कि मैं मार दूंगा मैं मार दूंगा अब भाई तो अगर ये सिर्फ ऐसे ही कह रहा है तो यहां पर हमने क्या सीखा अभी कि सिर्फ वर्ड्स जो हैं वो असोल्ट की कैटेगरी में नहीं आएंगे तो अभी शायद मैंने जो आपको एग्जांपल बोला हाँ रेज ऑफ एंगर में हो सकता है वो उसको बोले देखो जो मैंने अभी आप लोग को एग्जांपल दिया ना वो रेज ऑफ एंगर वाला उसको भूल जाओ क्योंकि हम देख रहे हैं कि मेयर वर्ड्स जो है वो असोल्ट की कैटेगरी में नहीं आते बिल्कुल सही बात है वर्ड्स जो है वो असोल्ट की कैटेगरी में नहीं आते वहीं पर अगर वो रेज ऑफ एंगर में ठीक है इस पर्सन पर इस पर्सन पर ये पर्सन रेज ऑफ एंगर में अभी जब वो बोल रहा था उस वक्त उसके हाथ में कुछ भी नहीं था लेकिन इतने गुस्से में था कि आसपास जो भी मान लो डंडा पड़ा था सरिया पड़ा था जो भी था उसने हाथ में उठा लिया ये एक तरीके का जेस्चर हो गया उसने हाथ में उठाया तो अब इसको शायद ज्यादा डर कॉज हो गया शायद क्या ऑब्वियसली बात है कि अब इस पर्सन को ज्यादा डर कॉज हो गया है कि भाई इसने सरिया उठा लिया ये सर पर मार देगा सर फोड़ देगा मेरा ठीक है तो जहां इस पर्सन को एप्रिहेंशन हो रहा है जब तक बोल रहा है जब तक तब तक जो चलो ठीक है रहा, हटो बोलते रहो जो बोलते हैं ठीक है तुम कुछ कर नहीं पाओगे ऐसा अभी तक ये बंदा सोच रहा था लेकिन जैसे ही उसने सरिया उठा लिया रेज ऑफ एंकर में तो हम सब मतलब इस पर्सन को लग गया कि अभी जो है ये खेल मेरा खत्म ही कर देगा तो इसलिए कहा जा रहा है कि इस तरीके का प्रिपरेशन हो जिससे सामने वाले पर्सन को ऐसा एप्रीहेंशन हो जाए कि क्रिमिनल फोर्स कोई पर्सन उसके अगेंस्ट कमिट कर देगा तो वो असल्ट की कैटेगरी में आ जाएगा अब मुझे उम्मीद है कि इस एग्जाम्पल से ये चाकू और सर के एग्जाम्पल से आपको समझ में आ गया होगा कि असोल्ट क्या होता है बड़ी ही प्यारी सी बात कहता है ठीक है इलास्ट्रेशन देखो इलास्ट्रेशन से और बढ़िया से समझ में आ जाएगा इलास्ट्रेशन एस एक्स इज फिस्ट फिस्ट मतलब जहां पे आप, आप वो पहनते हैं ना Uh, क्या बोलते हैं घड़ी जो वॉच पहनते हैं आप रिस्ट वॉच में बोल रही थी ठीक है तो uh, उसको आप जैसे देखेंगे पता नहीं किसकी पिक्चर है वो ये इतना मुझे नहीं याद है उसको मतलब इस तरीके से मैं बता भी नहीं सकती किस तरीके से मतलब उसको uh, जो भी समझ लो फिर फिस्ट का मतलब हो, होता है कि उसको शेक करना उसके जो है रिस्ट को वो अपने शेक करके कह रहा है कि मैं जो जो है तुम्हें क्या करूंगा इंटेंडिंग और नोइंगय जेड टू बिलीव दैट ए इज अबाउट टू स्ट्राइक जेड अब वो डरा रहा है उसको इस तरीके से करके हाथ अपना हिला करके डरा रहा है कि मतलब मैं तो जो है तुम्हारा जो है खेल खत्म ही कर दूंगा उस तरीके से डरा रहा है जेड को तो यहाँ पर जो है असोल्ट कमिट हो गया जब तक बोल रहा है तो तब तक कोई बात नहीं लेकिन जहां उसने कोई ऐसा जेस्टर कर दिया तो वो जो है असोल्ट में आ जाएगा इलास्ट्रेशन बी क्या कहता है इलास्ट्रेशन बी कहता है ए बिगेंस टू अनलूज द मजल ऑफ अ फेरोशियस डॉग भाई कोई बहुत भयंकर तरीके से एकदम भयंकर प्रजाति का कोई डॉग है ठीक है वो कौन सा डॉग है वो जो हाँ पिटबुल पिटबुल वो तो हालांकि बैन है कई जगह पर उसको आप नहीं रख सकते हो बट ठीक uh, है अभी भी कुछ लोगों के पास है आई डोंट नो वट पीपल थिंक वाई डूइ दीज थिंग्स छोड़ो वो तो टॉपिक से भटकने वाली बात हो गई देखो कोई फेरोशियस डॉग है हमने अपने एग्जाम्पल में पिटबुल ले लिया ठीक है ये जो है वो अच्छा खासा वो बंधा हुआ है अब उस uh, साम, सामने इंटेंडिंग और नोइंग इट टू 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 बी दैट दैट ही ही देयर बाय कॉज कॉज बिलीव इज अबाउट द डॉग टू अटैक अब उसके सामने जो है जेड के सामने खोल रहा है उसकी रस्सी जिससे वो बंधा हुआ है ठीक है खतरनाक है वो उसके सामने खोल रहा है और अब भाई जब जेड के सामने वो इस तरीके से खोल रहा है तो उस जेड को तो बिलीव हो रहा है ना कि ये तो छोड़ देगा मेरे ऊपर कुत्ते को सो ए हैज कमिटेड एन असॉल्ट अपॉन जेड याद रखिए असॉल्ट में आपको जेस्चर और प्रिपरेशन ध्यान में रखनी है जहां किसी पर्सन ने जेस्चर या प्रिपरेशन कर दी सामने वाले पर्सन को अपरिहेन्ड करने के लिए असॉल्ट कमिट हो गया है मेयर वर्ड्स जो है वो आ, आपके असोल्ट में नहीं आते हैं लेकिन उन वर्ड्स के साथ बोलते बोलते कोई जस्ट प्रिपरेशन कर दी असोल्ट हैज बिन कमिटेड सी इलास्ट्रेशन आपका इसी बात में बारे में बात करता है ए टेक्स अप स्टिक सेइंग टू जेड आई विल गिव यू बीटिंग ठीक है हियर दो द वर्ड्स यूज्ड बाय ए कुड इन नो केस अमाउंट टू एन असोल्ट And though the 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 mere gesture, gesture by by any other circumstances, might not amount amount to to an an assault, assault. explained words may अगर ऐसे ही बोल रहा है मजाक मजाक में कह रहा है हमारी मजाक मजाक तो मार कभी कभी तो मार देती हैं, लेकिन वैसे जनरली नहीं मारती हैं, ठीक है थीके? मतलब ऐसे डराना ठीक है सिर्फ ऐसे ही बस डराना भी नहीं यहाँ पर हम ऐसे नहीं कहेंगे मान लो ऐसे कि बस वो एवे बोल रहा है ठीक है तो यहाँ पर ये जो है भले उसके हाथ में स्टिक है बट ये असोल्ट में नहीं आएगा हाँ यही चीज अगर वो भाई देखो सकम्स्टांसिस देखो समझो बात को सर्कम डिफरेंट हो सकते हैं हो सकता है इस एग्जाम्पल में वो मजाक में ये बात कह रहा है लेकिन यही चीज अगर वो रेंज में कहे एंगर में आकर के कहे बहुत इस तरीके से उसको कोई तरीके से अनाउंस कॉज हुई है उस वजह से वो कहे कि खात्मा ही कर देगा बिल्कुल Z का हर रजिस्ट्रेशन में बेचारा Z के ऊपर ही असोल्ट कमिट हो रहा है तो तो फिर हम मानेंगे कि असोल्ट जो है कमिट हुआ है कि उसने स्टिक उठाई तो पक्का जो है मारेगा ठीक है तो एंगर का बड़ा जो है यहाँ पर एसेंस है ठीक है अच्छा यहाँ तक आप लोगों को आई होप सारी बातें समझ में आई होंगी बाकी के जो सेक्शंस से हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डील करेंगे उम्मीद है कि समझ में आया होगा जो भी आपका फीडबैक है समझ में आया है नहीं आया है कोई भी ऐसा इंप्रूवमेंट भी अगर आप लोगों को चाहिए तो आप लोग मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू सो मच